हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंडलेस स्टोरीज पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गाँव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम बहुत ही अनोखा है। दोस्तों, आप इस गाँव का नाम सुनकर चौंक जाएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के छोटे से गांव का जिसका नाम है snapdeal.com। दोस्तों, snapdeal.com ये नाम हर किसी को पता होगा। दोस्तों, स्नैपडील, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, दोस्तों यहाँ से हम लोग ऑर्डर करते हैं और सामान हम लोग मंगाते हैं। दोस्तों, ये सब ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं ये किसी गांव का नाम भी हो सकता है? दोस्तों, snapdeal.com ये गांव उत्तर प्रदेश में है और काफ़ी छोटा गांव है। दोस्तों, इसका यह नाम यूं ही नहीं पड़ा, इसके पीछे की भी एक कहानी है जो आपको खुशियां तो दो देगी, जिसे जानकर आप खुश तो हो जाएंगे, लेकिन साथ में ही अचंभे में भी ये डाल देगी कि इसका नाम snapdeal.com कैसे पड़ा। दोस्तों, इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं है, यानी कि दोस्तों जो उस गांव के अफसर हैं, जिस अफसर के अंडर वो गांव आता है, उनको भी नहीं पता है कि इस गांव का नाम snapdeal.com क्यों पड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के शिवनगर गांव के आसपास का इलाका अब इसी नाम से जाना जाता है। गांव के मुख्य द्वार पर इस नाम का बोर्ड भी लगा है। दोस्तों, अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको snapdeal.com नगर में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यह पहली बार है जब किसी गांव का नाम ही किसी ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर रख दिया गया हो। दोस्तों, दरअसल इस गांव में पानी की भारी किल्लत थी, लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। स्नैपडील ने यहाँ 3,25,000 रुपये खर्च कर 15 हैंडपम्प लगवा दिए। दोस्तों, इन हैंडपम्पों पर स्नैपडील का भी नाम लिखा हुआ है। कंपनी हर साल अपने लाभांश का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाती है। दोस्तों, इसके बाद गांव वालों ने उनको आभार व्यक्त करने के लिए अपने गांव का शिवनगर से नाम बदल कर snapdeal.com नगर रख दिया। और दोस्तों, उस दिन के बाद से यह गांव अपने आप को snapdeal.com नगर ही कहता है। दोस्तों, इस गांव का जो अनोखा नाम है, इसके लिए पूरे भारत में चर्चे में है। दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर किसी गांव का नाम amazon.com नगर हो जाए या फिर flipkart.com नगर हो जाए, तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।